दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। और जो है सुबह की खबरों में कुछ इंपॉर्टेंट खबर छूट चुकी थी, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर बात करेंगे इसमें 141 जो है वो तहसीलदार बने, 1200 लेखपाल बनेंगे कानून गो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की खबर है ये, लखनऊ से राजस्व परिषद ने जो है 141 जो है नायब तहसीलदार को जो पदोन्नति यहाँ पर जो है दे दी गई है। तो इनको जो तहसीलदार बना दिया गया है, अब 1200 लेखपाल जो है वो कानून गो बना दिए जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट की ओर बात करेंगे इसमें नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जो है, नवोदय विद्यालय की तरफ से जो कक्षा 6 में एडमिशन लेने वाले जो थे छात्र, उनके लिए जो है वो डेट बढ़ा दी गई है। अब यहाँ पर जो 25 अगस्त 2023 इसमें जो बढ़ाकर कर दी गई है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कक्षा 6 के लिए जो है 2024 के ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए यहाँ पर पोल दिया गया है। तो नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से ये बता दिया गया है कि यहाँ पर जो डेट बढ़ा दी गई है। साथ में जो बीएड बना बीटीसी के बारे में बताया गया कि यहाँ पर जजमेंट पास ऑफ हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग इसमें जो नोटिफिकेशन डेट यहाँ पे घोषित कर दी गई है। उन्होंने बोल दिया गया है कि यहाँ पे जो है बीएड वाले जो बाहर हो चुके, सुप्रीम कोर्ट इसमें सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ गया, प्राथमिक शिक्षा भर्ती बीएड वाले बाहर हो चुके हैं, तो इनको अपना लिया जाए। इसके संबंध में जो है एनसीटीई ने जो है वो निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बात करेंगे अब कृषि विभाग की, मतलब क्या कृषि डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत यहाँ पे जो कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर जो विज्ञापन जारी हो चुका है। विभाग का नाम कृषि है ये, और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया इसमें जो कि 24 अगस्त 2023 को जो है आवेदन का अंतिम तिथि यहाँ पर बताई गई है। बात करेंगे इसमें जो रिक्त पोस्टों की बात करेंगे, जो यहाँ पे जो है 16 अगस्त 2023 में आवेदन की यहाँ पर डेट यहाँ पे जो है वो घोषित करी, इस दिन जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, और जो है अंतिम तिथि 24 अगस्त 2023 तक इसमें फॉर्म ये भर सकते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत। संविदा की भर्ती है ये, भर्ती जो निकाली गई है वो लखनऊ से निकाली गई है, और यहाँ पे एज लिमिट की बात करें 21 से 40 वर्ष में एज लिमिट है ये, और 20,000 रुपये इसमें आपको सैलरी मिलेगी। और यही चीज़ यहाँ पर भी जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, 15,750 इसमें जो है इसमें सैलरी इसमें आपको मिलेगी, और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया इसमें जो है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो है लखनऊ से भर्ती आ चुकी है, और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं 24 अगस्त इसमें आवेदन की अंतिम तिथि बताई गई है, और यहाँ पर जो है इसमें एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्वेदिक संस्थान के अंतर्गत भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका था, 15,750 में सैलरी है। आवेदन की अंतिम तिथि 18 अगस्त 2023 इसमें बताई गई है, यहाँ पर अभी ये आवेदन प्राप्त करने की तिथि, और यहाँ पर आवेदन तिथि अंतिम तिथि यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 अगस्त है ये अंतिम तिथि, यहाँ पर जो है 22 अगस्त है, अभी बहुत टाइम आप बाद भर सकते हैं फॉर्म वाला। बात करेंगे हम जो है भारत लिमिटेड कंपनी की तरफ से जो पंचकुला का नाम आपने सुना ही होगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड पंचकुला की तरफ से भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है ये। यहाँ पर लास्ट डेट की बात करेंगे, यहाँ पर 26 अगस्त 2023 इसमें आवेदन की अंतिम तिथि है। बताया गया कि यहाँ पर जो है ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक नवरत्न कंपनी है, और यह रक्षा मंत्रालय के अधीन जो है व्यावसायिक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, और कंपनी को जो अपने पंचकुला स्थित जो है एक अंशकालीन जो है आधार पर कर्मचारी भर्ती करनी है। सैलरी इसमें दे रखी, पहले साल में आपको 30,000 मिलेंगे, दूसरे साल में आपको 35,000 मिलेंगे, तीसरे साल में आपको 40,000 मिलेंगे। तो यहाँ पर ये बता दिया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और चौथे साल में इसमें आपको 55,000 रुपये मिलेंगे। इसकी अलग अलग सैलरी जो है अलग अलग योग्यता के लिए अलग अलग सैलरी इसमें बताई गई, कॉन्ट्रैक्ट भर्ती है, आप ये फॉर्म भर दीजिएगा। यहाँ पर बताया गया है इसमें जो है कि इसमें 50,000 रुपये तीसरे वर्ष, 55,000 रुपये, 40,000 रुपये इसमें पहले साल में इसमें आपको मिलेंगे, 45,000 रुपये सैलरी इसमें बताई गई है ये जो। और जो है यहाँ पर ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर जाके ये वाला फॉर्म आप जो है भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं ये, और 26 अगस्त जो है इसमें आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर है। और एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, ये हमेशा कमेंट करके बताते रहते हैं, और वास्तव में इनकी बात बिल्कुल सही है कि गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया जिलों में चपरासी भर्ती शुरू हो चुकी है। ये पूर्वांचल के ज़िले हैं ये, बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर महाराजगंज में भर्ती कब आएगी, कुशीनगर में भर्ती कब आएगी, देवरिया में कब आएगी, ये जो है चपरासी भर्ती आज से शुरू हो चुकी है। आपको करना क्या है, आप जो है इसकी जो आपको पोर्टल है, मतलब क्या सेवा योजना कार्यालय के पोर्टल पर जाके ये वाला फॉर्म आप भर सकते हैं चपरासी भर्ती का, ठीक है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और जो देवरिया जिलों की जो चपरासी भर्ती से जो है वो शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं बस्ती में जो 1,20,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। और एक हमारे सब्सक्राइबर और हैं, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर जो है अवधेश हैं, अवधेश कुमार जी बोल रहे हैं कि सर मेरा जो है इंटरव्यू 20 अगस्त तक इंटरव्यू होगा, और मैं कल जाऊँगा इंटरव्यू के लिए लखनऊ। सर जी मेल आया मेरे पास,
वेरी गुड, शाबाश, आपके लिए बहुत बहुत बधाई। आप इंटरव्यू देकर आइएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, आपको मनचाहा कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ से हो भाई? इन्होंने कमेंट लिखा मेरा पास भी आया है मेल पर। मतलब क्या है कि आप दोनों भाई के पास मेल पर आए तो झूठ कोई नहीं बोल रहा है। कहना मतलब कि अगर फॉर्म आपने भरा है संविदा चपरासी भर्ती का तो कॉल 100% आएगा, शॉर्टलिस्ट होने पर आएगा, 100% आएगा। इसी तरीके से जो जिले बाकी रह चुके थे आपका जो है, बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे सर महाराजगंज से कब आएगी, आ चुकी है कुशीनगर देवरिया, इन जिलों से वो चपरासी भर्ती नहीं निकाली गई तो उसमें जो है निकाल दिया गया। अब विज्ञापन आ चुका है, सेवा योजना कार्यालय पोर्टल पर जाना है, वहीं से आगे वाला फॉर्म आप ये भर सकते हैं। तो ये भी कमेंट कर रहे हैं, अवधेश भी कह रहे हैं मैं जो हूँ 20 अगस्त तक जो इंटरव्यू होगा और कल मैं जो है जाऊँगा इंटरव्यू देने के लिए, और इन्होंने कहा मेरे पास भी जो है जीमेल पर आया है। बात बिल्कुल सही है, पूर्वांचल के जिलों में भर्ती आ चुकी है। इसी तरीके से जो है संविदा पर चपरासी भर्ती बलिया का क्या हुआ सर, प्लीज़ बताइएगा। अभी बलिया से अभी इंटरव्यू कुछ का हुआ है, कुछ का नहीं हुआ है। अभी मैंने आपके साथ मेरी ओल्ड वीडियो आपने देखी नहीं है, आप हो सकता नए सब्सक्राइबर हो मेरे, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर जो है बलिया का हो चुका है, मैंने पुरानी वीडियो में दिखाया था इंटरव्यू, कुछ का हुआ कुछ का नहीं हुआ है। ठीक है, उनका भी हो जाएगा, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप। डिग्री कॉलेज में जो है क्लर्क भर्ती की सैलरी कितनी होती है भाई? 35,000 के आसपास, क्योंकि 28-30 हज़ार तो जो है 30-32 हज़ार तो उसी के बैठ रहे हैं इंटर कॉलेज के क्लर्क, जो एडिट कॉलेज के इंटर कॉलेज क्लर्क होता है ग्रुप सी में। और डिग्री कॉलेज की बात करेंगे तो ज़्यादा रहता है ग्रेड पे इसका जो है ना। तो डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल की सैलरी डीएम के बराबर होती है और इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल की सैलरी डिग्री कॉलेज के टीचर के बराबर होती है, क्योंकि मैं खुद एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, मैं आपको पता होगा। ठीक है सर, आगरा की चपरासी भर्ती कब निकलेगी और कब तक ज्वाइनिंग होगी? बहुत जल्द निकलने वाली है, अभी कुछ जिलों में भर्ती आ चुकी है और कुछ जिलों में भर्ती आने वाली है। ठीक है, यहाँ पर भी इन्होंने बोला महाराजगंज से। हाँ, ये भाई जो है अशोक शर्मा जी लगातार कमेंट करते हैं सर महाराजगंज से भर्ती कब आएगी, कब आएगी, लो जी आ गई आपके लिए भर्ती। तो यहाँ पर भी आए, मैं ये वाला फॉर्म आप ये जो है भर दीजिएगा, थैंक यू लिख दिया इन्होंने, इसमें जो है गोरखपुर महाराजगंज में इसमें भर्ती आ चुकी है। यहाँ पर देख लीजिए, बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर बस्ती में कब होगा, है ना, तो बलिया में कब निकलेगा? बस्ती में 1,20,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। अब ये जो है ये क्यों? क्योंकि प्रबंधक मांग रहे होंगे, क्योंकि मन चाहे कॉलेज देने के लिए इंटरव्यू में सर, अगर इंटर कॉलेज में प्रबंधक को क्लर्क भर्ती करने का अधिकार है कोर्ट से मिल गया है तो जो पुरानी क्लर्क भर्ती आयोग से जो हो रही है उसका क्या होगा? वो बात हो रही है डिग्री कॉलेज वाले की, आपने सही से नोटिफिकेशन पढ़ा नहीं है। पुराना वीडियो देख लीजिए, पुराना वीडियो में सब कुछ क्लियर है, पुरानी वीडियो में लिखा हुआ है कि जो है वो डिग्री कॉलेज को परमिशन मिली ना कि इंटर कॉलेज वालों को। ठीक है, मेरठ मंडल में प्योन भर्ती कब तक आएगी सर? बहुत जल्द आने वाली, मेरठ मंडल में भी जिस तरीके से कुशीनगर देवरिया में महाराजगंज में आ चुकी है। ठीक है, राजकीय डिग्री कॉलेज में क्लर्क की ज्वाइनिंग कब तक होगी आपका? अगर हुआ गुरुदेव दोनों ने बोला है कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी ज्वाइनिंग बहुत जल्द हो जाएगा, इनका पड़ा हुआ फॉर्म इसमें। सर जी चपरासी भर्ती जो है बलिया में कब होगी? ठीक है, इनमें लगातार लगे कमेंट करते रहते हैं, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो नई क्लर्क भर्ती में इंटर कॉलेज में एक परमिशन मिली हुई है, कहने मतलब क्या है, डिग्री कॉलेज की बात चल रही है और वो स्कूल वाले नहीं कर सकते, जिसको परमिशन मिली केवल वही कर सकते हैं, वही चीज़ पूछ रहे हैं, अनुमति जिसको मिली वही कर सकते हैं, सबको सबको नहीं करना। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं पूरे कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और ये कहा तब जो है सभी वेट करना पड़ेगा आपको जो है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर बता दिया गया है, तो यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल करे प्लस। थैंक यू वेरी मच।